दोस्तों, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, पापियों ने जन्म लिया है, तब तक भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर तब तब अवतार लिए हैं इस धरती पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके आता हूँ जो एक भव्य मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला इंदौर के तहसील देपालपुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 2400 अवतारों को समर्पित है। दोस्तों, भगवान की जितनी भी, इस मंदिर में भगवान के 2400 अवतार अपनी कलाओं सहित इस मंदिर में सारी मूर्तियां स्थित हैं। दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भगवान पूरे 2400 अवतार है, और ये विश्व का पहला एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान के 2400 अवतार स्थित हैं। दोस्तों, तो चलो आज अपन इस मंदिर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। श्री 2400 अवतार मंदिर तीर्थ देपालपुर। यहाँ पर दोस्तों प्रथम में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनी हुई है। चलो अंदर मंदिर में चलते हैं। तो सर्वप्रथम में है भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो कि आप देखिए। सर्व लक्ष्मी नारायण मंदिर। भगवान का गजेंद्र मोक्ष अवतार हरि ध्रुव देव। ये है दोस्तों भगवान का श्री नर नारायण अवतार। तो अनसुईया पुत्र दत्तात्रेय का अवतार, दोस्तों ये भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। यज्ञ पुरुष अवतार शब्दे राजा पृथु अवतार। भगवान का मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार है भगवान का। धन्वंतरी अवतार। गाइस, इस मंदिर में भगवान के 2400 अवतार हैं, जो कि विश्व के पहला ही मंदिर है जिसमें भगवान के 2400 अवतार हैं। गाइस, ये मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान के पूरे 2400 ही अवतार स्थित हैं। इस मंदिर के अलावा पूरे विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ विष्णु भगवान के पूरे अवतार हैं। दोस्तों, इसी मंदिर में भगवान के 2400 अवतार हैं। इसके अलावा भगवान के यहाँ पे शंकर भगवान के भी 11 अवतार हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको दर्शन कराए 12 अवतार के, अभी 12 अवतार शेष इधर की साइड में है, राइट साइड में। चलो देख लेते हैं। एक साइड में है गौशाला, ये कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसा है दोस्तों मंदिर का। ये 12 अवतार भगवान के राइट साइड में है, विष्णु भगवान के इधर। ये है दोस्तों भगवान का मनु अवतार। इसके बाद आगे चलते हैं, ये भगवान का 14वां अवतार है श्री नरसिंह अवतार। इसके आगे और चलते हैं दोस्तों, तो आगे 15 अवतार है भगवान का, 52 अवतार श्री बावन अवतार। ये 16वां अवतार है परशुराम अवतार। दोस्तों, परशुराम अवतार के बाद में है 17वें नंबर पे श्री व्यास अवतार। दोस्तों, 18वां अवतार भगवान ने श्री हंसा अवतार लिया था। दोस्तों, 19वां अवतार भगवान का श्री राम अवतार, जिसमें जब ये भगवान का मुख्य अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान ने महाराज रावण का वध किया था। और इसके बाद में 20वां अवतार लिया था भगवान ने श्री कृष्ण का। ये भगवान का श्री कृष्ण अवतार, इस अवतार में भगवान ने कई पापियों का श्रृंगार किया था। और दोस्तों, 21वां अवतार है भगवान का श्री हरे ग्रीव अवतार। 22वां अवतार है भगवान का वाराह अवतार। इस अवतार में भगवान ने अपनी थूथनी से भगवान ने पृथ्वी को ढूंढा था उसमें समुद्र में से, और अपने दांतों से पृथ्वी को बाहर निकाला था और राक्षस का वध किया था। ये दोस्तों
देवी स्वावतार, बुद्ध अवतार। लास्ट अवतार जो कि अभी तक अवतार भगवान का हुआ भी नहीं है, श्री कल्कि अवतार, जो कि कलयुग जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। ये लास्ट अवतार है भगवान का, बोलो श्रीमन नारायण। अपन ने कर लिया पूरे भगवान के 24 अवतारों के दर्शन। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं भगवान की। ये है गाइस भगवान का, ये है भगवान के पूरे 12 अवतार दोस्तों, इस साइड में है राइट साइड में, और 12 अवतार लेफ्ट साइड में है दोस्तों। ये पूरा मंदिर है 24 अवतार, अद्भुत मंदिर बना गया है दोस्तों। ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु के 24 अवतार स्थित हैं। तो गाइस आ गए भगवान के दर्शन दर्शन करके, एकदम मस्त मंदिर था दोस्तों। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।